हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्रेस आज के स्टूडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं फिश ऑयल का। और दोस्तों वो फिश ऑयल बहुत ही अच्छे ब्रांड की तरफ से, जो कि दोस्तों मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड में है। एमवी फिश ऑयल का रिव्यू करने वाला है, किन किन समस्याओं में आप इसको यूज कर सकते हैं, सही तरीका यूज करने का, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, स्टेप बाय स्टेप जानने वाला है, एक एक समस्या में कैसे यूज करें और कितने दिन यूज करें, इसके अलावा कितनी एज वाले यूज कर सकते हैं, कितनी डोज लेनी चाहिए, कब बेट जानने वाला है। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में लाइक भी प्रेस करें, ताकि आगे वाली ऐसी लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। दोस्तों एमवी का फिश ऑयल 1000 mg में अवेलेबल रहता है। इसके दोस्तों बात करें बेनिफिट्स के बारे में, इससे पहले हम जानते हैं पैकेजिंग प्राइजिंग। पैकेजिंग दोस्तों काफ़ी अच्छा होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं प्राइजिंग दोस्तों महंगा होता है, बाकी के ब्रांड से दोस्तों एमवी का महंगा होता है, क्योंकि इसका पैकेजिंग दोस्तों काफ़ी अच्छा होता है और प्राइजिंग 650 रुपये के आसपास का रहता है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको बाय कर सकते हैं। 15 साल से बड़े लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों बात करें बेनिफिट्स के बारे में, तो देखिए मुख्य रूप से दोस्तों ये कमज़ोर मसल्स को बढ़ावा देता है। इसके अलावा ये आपकी जो बात करें जैसे कि हड्डियों का लचीलापन गिलाता है, हड्डियों को ठीक रखने के लिए, यानी आपको अगर जोड़ दर्द होता है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। इसके अलावा दोस्तों ये जो भी आपकी समस्याएं हैं, जैसे कि आपको नेत्र से रिलेटेड समस्याएं हैं, जैसे कम दिखता है, हल्की आपको प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी काफ़ी मददगार साबित होता है। इसके अलावा चेहरे के लिए, बालों के लिए काफ़ी अच्छा है, इसका काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं दोस्तों, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अब यूज कब और कैसे करें, तो वैसे तो डॉक्टर की देखरेख में यूज करना चाहिए और बताई गई डोजी आपको लेनी चाहिए। कई डॉक्टर्स आपको देखिए सजेस्ट करेंगे एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम करेंगे, खाना खाने के बाद या योगा एक्सरसाइज नाश्ता करने के बाद। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप डेली का एक ही कैप्सूल लें, ठीक है? तो खाना खाने के, नाश्ता करने के बाद पानी के साथ इसको ले सकते हैं। अब लेना कितने दिन है, तो 2 वीक तक मिनिमम आप इसको ले सकते हैं रेगुलर। फिर आप 1 वीक का गैप देके 1-2 वीक और ले सकते हैं लेना चाहते हैं तो, या फिर आप 2 वीक की लेंगे तो उसमें भी काफ़ी अच्छा आराम आपको मिल जाएगा इन तमाम जो भी प्रॉब्लम है इनमें। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा है वीडियो।